राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। खराबा देखा था, वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। लड़ाई हुई थी, शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे?
शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। के मुंह से लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शैंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था। जाओ, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। Sure.
मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। What happened? He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a pen cap. Right. And then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You want to try? You speaking?